पूरी होने दीजिए शंभू जी, शंभू जी मेरी बात सुनिए, मैं उनका अगर ये बयान है, मैंने नहीं देखा, अगर है तो मैं उनके इस बयान का समर्थन नहीं करूंगी। दूसरी बात, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं अपने धर्म के लोगों गुरुओं से मिलने के लिए बागेश्वर भी जाऊंगी, मथुरा वृंदावन भी जाऊंगी, ठीक, और सुनिए तिरुपति बालाजी भी जाऊंगी, मैं हर जगह जाऊंगी। और आपको यह अधिकार नहीं दिया मैंने, सुनिए आपको अधिकार नहीं दिया शंभू जी कि आप, अगर मेरा मन है कहीं मंदिर में जाने का तो आप मुझ पे टिप्पणी करें, ये मैंने आपको अधिकार नहीं दिया। महिला को मंदिर से बाहर निकाल दिया घसीट कर कर्नाटक में, देखिए क्या दलित सनातन नहीं होते, दलित कोई अलग धर्म है क्या, अलग धर्म है क्या, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप सुनिए सुनिए क्या, देखिए मुझे गर्व है और मैं कभी किसी का, मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म से हूँ, आपको होगा। देखिए अगर सनातनी लोगों ने ऐसा किया है तो मैं गलत बात को हमेशा गलत ही बोलूंगी। सनातनी ने महिला पर पेशाब कर दिया फ्लाइट में शंकर मिश्रा, हाँ गलत है, बिल्कुल विरोध करते हैं, सुनिए बिल्कुल विरोध करते हैं, एक महिला के ऊपर पेशाब करना कितनी बुरी बात है, किसी आदमी के ऊपर भी, वो मिश्रा न होकर होता तो क्या होता मुसलमान। देखिए जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, अच्छा आप पहले बोल लो, मैं पहले सारे सवाल ले लूं आपके, मैं बीच में बोलूंगी ना फिर। अरे मैडम मिश्रा ना होता, अमजद होता, तो ये सनातनी जो सरकार चल रही है केंद्र में मोदी जी वाली, वो क्या करती है मुसलमानों के साथ। जिस समय आप जो सनातनी और अमजद बता रहे हैं ना, मुझे बिल्किस बानो के मुल्जिमों को रिहा करा था ना, तो मैंने इस बात का विरोध किया था। सुनिए अब सुनिए सुनिए, देखिए वो मोदी जी ने लिखत में लिया है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, सुनिए मैं संविधान को मानती हूँ लेकिन अपने धर्म को भी मानती हूँ, आपको मैंने ये अधिकार नहीं दिया कि आप मुझे मेरा धर्म मानने से मना करें। मैं ये बोलूंगी उस व्यक्ति ने गलत किया, गलत का गलत, सही जिसने किया सही, चाहे वो सनातनी हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, गलत गलत। अगर कोई मुसलमान होता, मेरा सनातन धर्म किसी मूवी का मोहताज नहीं है, तो आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते क्यों कर रहे हैं। मैंने अपनी टिप्पणी इस पे दी, मैंने अपना विचार आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दिया, जो करते हैं विरोध आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते। असली सनातनी मोदी जी और आरएसएस है। अच्छा आप सर्टिफिकेट लाए हैं, सर्टिफिकेट लाए, लाइए दिखाइए, मोदी जी का सर्टिफिकेट लेके आए शंभू जी, दिखाइए जरा, असली का नकली का आप सर्टिफिकेट लेके आए क्या, अगर लेके आए दिखाइए। आरएसएस पर आपकी क्या राय है? मेरी आरएसएस पे ये राय है कि जो भी व्यक्ति कट्टरता को बढ़ावा देता हो, मतलब आरएसएस कट्टरपंथी है, सुन जाइए मैं पूरा बोल लूं, आप ही बोल लीजिए, फिर सवाल भी अपने आप कर लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति देश में संविधान को नहीं मानता या देश में कट्टरता करता है, लड़ाई झगड़े करता, हमारे यहाँ प्रावधान बना हुआ है, संविधान सबका तोड़ है। दूसरी बात, अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है, मुझे किसी के धर्म से कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखती हूँ। आपके धर्म में जो गड़बड़ियां होंगी उस पर नहीं बोलती, मैं तो गलत बात को गलत ही बोलती हूँ। अरे 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 वो व्यक्ति जो थे पतिनंद, कौन से व्यक्ति थे, गलत बोला मैंने तो, मैंने तो नहीं बोला सही है, मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो प्रज्ञा ठाकुर को भी गलत बोला कि उसने बयान गलत दिया, मैंने वो पतिनंद कौन से है डासने वाले। अरे आप जवाब, पूनम पंडित है कि प्रज्ञा ठाकुर है, जिसकी बात मान। अब आप सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं कि पूनम पंडित के नाम का और प्रज्ञा के नाम का, आप सर्टिफिकेट लेके आप बताइए क्या सरकार ने, क्या आपने, आप ये बताइए सरकार ने, अब ये बताइए जिसकी आप बात बता रहे हैं कितने मुकदमे है उस पे, कितने। आप सनातनी नहीं है क्या शंभू जी, आप सनातनी नहीं, क्या है आप, क्या है, बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म से है, तो धर्म और धम है, धम है, चलिए बौद्ध धम से है, धर्म धम कुछ तो है ना। बुद्ध ने कहा है धरती पर कोई भगवान नहीं होता, सब 2500 साल पहले कह के गए। अच्छा 2500 साल पहले कि कोई भगवान नहीं होता है, बुद्ध ने कहा है। और जो वो मैं देखती हूँ, जो हमारे बुद्ध समाज के लोग हैं, मैं तो उनको देखती हूँ शिवलिंग को नहलाते हैं। बुद्ध थे, रविदास थे, कबीर थे, वैसे एक महापुरुष थे, वो हमारे, वो मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है बुद्ध क्या थे, मैंने पढ़ा है तीसरी क्लास में। मार्गदर्शन करें कि हम सनातनी अच्छा, की बात अच्छा, हाँ, देश आप, पूनम पंडित की आप, आप देश में उस व्यक्ति की बात मानिए जो जनता के हित की बात करता हो, जनता की आवाज उठाता हो, अपनी कुर्सी का लालच नहीं करता हो। की बात माने कि सनातनी मोदी जी की बात माने। भाई राहुल गांधी जी ने ये कहा कि आप उन्हें मत मानिए या उन्हें मत मानिए, कहा क्या नहीं ना, मोदी जी एक तरफ गलत चीजें करते हैं बैठ करके और राहुल जी गलत चीज को खत्म करने की बात करते, क्या गलत है, क्या गलत है, आप है उसमें, आप है क्या, तभी मुझे बता रहे हैं इतना, आप हैं राष्ट्रवादी, कौन है जो, कौन है, अच्छा आरएसएस नहीं है, राष्ट्रवादी वो है जो देश हित के लिए आवाज उठाए, जनता के हित के लिए आवाज उठाए। ये संगठन रजिस्टर्ड कराने से राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे वो,
जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो भी राष्ट्रवाद बता रहे हैं अपने आप। अब एक बात बताइए, जब कैटवॉक कर रही थी स्मृति ईरानी बिकनी में, क्या किया था इन्होंने? जब खटिया सटा रहे थे रवि किशन बिकनी कपड़े भगवा रंग के पहना के हीरोइन को, क्या तब किया था विरोध? छम्मा छम्मा कर रहे मनोज तिवारी, किया था क्या विरोध? नहीं ना, तो ना हमने उनका विरोध किया, ये उनके अपना पर्सनल मामला भाई। आर्टिकल 19 में अधिकार दिए, आप होंगे नकली, आप होते कौन है नकली कहने वाले मुझे भाई, आप होते कौन है शंभू जी, आप होते कौन है मुझे नकली कहने वाले? ये गलत बोल, आप देखिए गलत बात है, आप होते कौन है नकली ब्राह्मण कहने वाले मुझे? आप कैसे कौन होते हैं, कौन है आप मुझे कहने वाले? ये अधिकार नहीं दिया मैंने आपको कि आप मुझे नकली बोले, आप होते कौन है ब्राह्मण को नकली कहने वाले मुझे? सुनिए, नकली नहीं बोला मैंने, मैंने नकली नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि भगवा रंग के कपड़ों में वो भी खटिया सटा चुके हैं, मैंने तो उनका भी नहीं विरोध किया।